वेलकम स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ओके, प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, उसके बाद स्ट्रेस एंड देयर टाइप्स। ओके, स्ट्रेस का हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था कि हम कैसे सोल्व करेंगे, और प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेन का डेफिनेशन आपको बता दिया था। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, आपका मेजर करता है चेंज इन डायमेंशन, और अगर आप इसको बाय डेफिनेशन देखो तो इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जब भी किसी मेंबर के ऊपर आप लोड लगाते हो तो आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ओके, अब स्ट्रेन के जो टाइप्स है, स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट टाइप का आपका आता है टेंसाइल स्ट्रेन, सेकंड टाइप इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेन, थर्ड टाइप इज योर शियर स्ट्रेन, एंड फोर्थ वन इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, ये आपका सिलेबस में ये 4 स्ट्रेन है और यही हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट वन हम देखते हैं, सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, आपको टेंसाइल लोड तो पता होगा क्या होगा, क्या होता है टेंसाइल लोड, वो लोड जिसकी वजह से बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो। ओके, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक मेंबर है, ओके, इस मेंबर को हमने एक तरफ से फिक्स कर दिया है और इसके ऊपर हमने लगा दिया है एक्सियल टेंसाइल लोड पी। ओके, ओरिजिनल लेंथ, इस मेंबर का जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज योर एल, बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड पी इस मेंबर का लेंथ चेंज हो जाता है। टेंसाइल लोड है तो दैट मीन्स इसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेंसाइल लोड पी इज योर डेल्टा एल। ओके, सो टेंसाइल लोड की वजह से आपका चेंज लेंथ इंक्रीज हुआ है। स्ट्रेन क्या होता है, आपका चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। एंड टेंसाइल स्ट्रेन, इसको हम डिनोट करते हैं एप्साइलन टी से, एप्साइलन टी। टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज योर टेंसाइल स्ट्रेन। एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय। ओके, तो ये आपका टेंसाइल स्ट्रेन है। सेकेंड टाइप का आपका स्ट्रेन है कंप्रेसिव स्ट्रेन। सेकेंड टाइप इज योर कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन बॉडी के अंदर आता है ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड। ओके, सो कंप्रेसिव लोड आप सबको पता है कि कंप्रेसिव लोड बॉडी का लेंथ डिक्रीज होता है। ओके, हमने एक बॉडी लिया है, इसको एक तरफ से हमने कर दिया फिक्स, ओके, और एक्सियल कंप्रेसिव लोड हमने लगाया है इसके ऊपर पी। ओके, पुश लोड होता है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसका लेंथ हो गया डिक्रीज। ओके, अगर हम इसका ओरिजिनल लेंथ एल माने, लेट ओरिजिनल लेंथ विल बी एल एंड डिक्रीज इन लेंथ विल बी डेल्टा एल। ओके, डेल्टा एल, सो कंप्रेसिव एप्सिलॉन सी
epsilon c compressive strain is decrease in length to the original length, that is your compressive strain. Okay, so epsilon c is your delta l divided by l, और ये आपका हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि डेल्टा एल इज योर नेगेटिव. कैसे आएगा डेल्टा एल? क्या आएगा आपका फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. ओके, सो कंप्रेसिव में, इन केस ऑफ कंप्रेसिव, इन कंप्रेसिव स्ट्रेन फाइनल लेंथ है वो कम होती है इनिशियल लेंथ से, तो इसलिए जो डेल्टा एल है वो आपका नेगेटिव आता है. ओके, और जिसकी वजह से जो आप कंप्रेसिव स्ट्रेन है वो हम नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, तो ये दो टाइप के जो स्ट्रेन हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी आपकी डायमेंशन चेंज हुई है डिवाइड बाय ओरिजिनल डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ओके, तो ये आपका चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओके. इसी के दो टाइप होते हैं आपके, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, क्योंकि दोनों में हम चेंज इन लेंथ मेजर कर रहे हैं. टेंसाइल में इंक्रीज होता है और कंप्रेसिव में डिक्रीज होता है. ठीक है, तो दो टाइप हो गया हमारे. थर्ड टाइप का हमारा स्ट्रेन है शीयर स्ट्रेन. थर्ड टाइप स्ट्रेन इज योर शीयर स्ट्रेन. ओके, सो शीयर स्ट्रेन जब भी शीयर लोड लगे किसी बॉडी के ऊपर तो उसकी वजह से शीयर स्ट्रेन डेवलप होता है. यहाँ पर हम एक मेंबर ले लेते हैं और यू कैन से दैट कि जो आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू शीयर स्ट्रेन वो कैलकुलेट होता है शीयर स्ट्रेन से. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक मेंबर है, इस मेंबर के ऊपर हमने शीयर लोड लगा दिया है पी. ओके, इस लोड की वजह से इस मेंबर में डिफॉर्मेशन होगा और वो इस तरीके से होगा कि वो आपका डिफॉर्म हो जाएगा और ये जो है एंगल, इस एंगल पे डिफॉर्म होगा. ओके, अगर शीयर स्ट्रेन को बाय डेफिनेशन हम देखें, इट इज़ अ मेजर ऑफ एंगल, इट इज अ मेजर of angle through which a body is deformed by the application of shear force. ओके, सो ये एंगल फाई, तो इसलिए हम इसको, वैसे तो आपका जो होता है फाई से हम डिनोट करते हैं, लेकिन जो शीयर स्ट्रेन है दैट इज योर टेन फाई. ओके, टेन फाई अगर हम इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी ब्लॉक का हमने पॉइंट्स दे दें, तो टेन फाई की वैल्यू, और ये ए टू ए डैश गया है और बी टू बी डैश गया है, तो टेन फाई इज योर ए ए डैश इज
डिवाइड बाय ए डी, बिकॉज आपका फाई बहुत स्मॉल होता है, फाई इज वेरी स्मॉल, तो इसलिए हम टेन फाई को 5 कंस ले लेते हैं, ओके। तो इसलिए शियर स्ट्रेन को हम 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का आपका स्ट्रेन हुआ। फोर्थ टाइप इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज सिंपली इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। चेंज इन वॉल्यूम, सपोज कीजिए आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक और इस पर आपने फोर्स लगाया हुआ है, ओके। आपने फोर्स लगाया हुआ है इस क्यूबिकल ब्लॉक पर, तो इससे क्या होगा, इसकी जो ये वाले डायमेंशन है, फोर्स के अलोंग डायमेंशन है, वो तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशन है वो इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ओके। सो देयर इज अ चेंज इन बॉडी, इसके होल डायमेंशंस में जो जितने भी आपके तीनों डायरेक्शन में डायमेंशन है उन सब में चेंज आएगा, ओके। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वही चीज़ है आपका कैलकुलेट करता है कि पूरी के पूरे वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी चेंज इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, ओके। सो दिस इज योर फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो ये आपके चार टाइप के स्ट्रेन आपके सिलेबस में है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन, अगर आपका टेंसाइल लोड लगा हुआ है तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, कंप्रेसिव लगा हुआ है तो कंप्रेसिव स्ट्रेन आएगा, शियर लगा हुआ तो शियर स्ट्रेन आएगा, और अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, और उस इन सभी स्ट्रेन्स को आप कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपको पता होना चाहिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम हुक्स लॉ स्टडी करेंगे और इलास्टिक कॉन्स्टेंट जो आपके होते हैं वो हम स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।